हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम मैथ क्लास 10th NCERT एक्सरसाइज 7.3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर, जिसके जो वर्टाइसेस दिए हैं, ABC नाम दे दिया। फर्स्ट वर्टेक्स को नाम देंगे X1 Y1, फर्स्ट वर्टेक्स होगा X1 Y1, सेकंड X2 Y2, थर्ड होगा X3 Y3। देखिए, अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, हाफ बेस इनटू हाइट या एल्टीट्यूड। लेकिन जब बेस और हाइट नहीं दिए, जो वर्टिक्स दिए हैं X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3, तब जो फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता है, अलग फॉर्मूला है। याद रखने का तरीका देखिए, X1 प्लस X2 प्लस X3, ये हमने लिख लिया। अब अपने पास Y1 Y2 Y3 बचे हुए हैं, Y1 Y2 Y3। देखो, यहाँ वन आ गया है तो वन से आगे 2 3 होता है, तो ये आएगा 2 माइनस 3, तो ये आ जाएगा Y2 माइनस Y3। अब X2 आ गया है, X2 से आ गया Y3, तो ये हमेशा क्लॉक वाइज ही चलेगा इस टाइप से, Y3 माइनस Y1। तीसरा, थर्ड है X3, तो X3 के बाद 1 आता है, तो ये आएगा 1 माइनस 2, तो Y1 माइनस Y2, इस टाइप से बनेगा। अब इसमें वैल्यू रखना शुरू करेंगे, X1 2 Y2 माइनस Y3 0 प्लस 4 हो जाएगा, इनके बीच में मल्टीप्लाई साइन है। X2 है -1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। Y2 माइनस Y2 है -4 और Y1 है -3 हो जाएगा, -4 ये फॉर्मूले का माइनस है और 3 आ जाएगा। X3 है 2, X3 2 है, और X1 माइनस Y1 माइनस Y2 तो 3 माइनस 0। सॉल्व करेंगे, ये आ गया 4 4 2 8, अंदर -7 है, तो -1 × -7 2 × 3 1/2, 8 + 7 + 6, 8 + 7 + 6 21 हो गए, तो हाफ मल्टीप्लाई 21। तो अब हम आगे तो देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपना आया है 21/2 हो जाएगा 10.5 यूनिट स्क्वायर। यूनिट मीन्स मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है। अब सेम क्वेश्चन सेकंड टू है, तो X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3 ले लिए हमने। अब हमें इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, हाफ X1
माइनस फाइव एक्स टू माइनस एक्स थ्री बाई टू माइनस बाई थ्री, माइनस फाइव माइनस टू हो जाएगा, एक्स टू है थ्री बाई थ्री माइनस बाई वन, तो टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स थ्री है फाइव बाई वन माइनस बाई टू, बाई वन माइनस वन है बाई टू माइनस फाइव है, डबल माइनस हुआ है तो प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट चेंज कर देंगे थोड़ा सा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हाफ माइनस फाइव माइनस सेवन थ्री मल्टीप्लाई थ्री फाइव मल्टीप्लाई देखो प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस माइनस वन फोर बचेगा, वन अपॉन टू प्लस के थर्टी फाइव प्लस के नाइन प्लस के ट्वेंटी, तीनों को प्लस करेंगे तो आंसर हो जाएगा ये थर्टी फाइव फिफ्टी फाइव प्लस नाइन सिक्सटी फोर, हाफ मल्टीप्लाई सिक्सटी फोर ये थर्टी टू यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अब हमें नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं दिया इस बार, थ्री पॉइंट्स दिए हैं और कंडीशन दी है कि दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स, तो सॉल्यूशन है यहाँ से सिंस ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स हैं। देखिए कोलिनियर पॉइंट मीन्स होता है पॉइंट लाइज ऑन द सेम लाइन, ए बी सी इस टाइप से हैं, एक ही लाइन पर पॉइंट होते हैं ना कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं, तो इससे क्या नहीं बनता है ट्राइंगल नहीं बनेगा, ट्राइंगल के लिए एक पॉइंट वन पॉइंट लाइन से डिफरेंट होना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में जब पॉइंट एक ही लाइन पर होंगे तो ट्राइंगल का एरिया जीरो हो जाएगा, तो इसी कंडीशन को हम यूज करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू जीरो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का लिख लेंगे हम, ये होता है हाफ एक्स वन बाई टू माइनस बाई थ्री, एक्स टू बाई थ्री माइनस बाई वन, एक्स थ्री बाई वन माइनस बाई टू, इसका एरिया जीरो हो जाएगा, और जीरो यहाँ एरिया जीरो लिखेंगे और ये टू जीरो के मल्टीप्लाई में जाएगा तो जीरो हटा सकते हैं, लास्ट में हटाओ या पहले हटाओ तो ये टू हट जाएगा यहाँ से, तो ये बचेगा एक्स वन बाई टू माइनस बाई थ्री, एक्स टू बाई थ्री माइनस बाई वन, एक्स थ्री बाई वन माइनस बाई टू। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे, एक्स वन की वैल्यू देखिए सेवन वन माइनस के बाई टू माइनस बाई वन, फिर एक्स टू फाइव बाई थ्री माइनस बाई वन, के माइनस माइनस प्लस ये बाई वन है टू है माइनस का, प्लस एक्स थ्री है थ्री माइनस टू और माइनस वन, और इक्वल टू जीरो इधर से उठा के साइड दूसरी साइड लिख दिया, सेवन सेवन का मल्टीप्लाई सेवन बन जाए सेवन माइनस सेवन के फाइव के और प्लस टेन, ये हो जाएगा माइनस थ्री और जो माइनस के ये हो गए, ये प्लस के थ्री और माइनस थ्री का मल्टीप्लाई के देखिए तो के माइनस के टू के बच गए, टेन प्लस सेवन सेवनटीन माइनस नाइन, तो सेवनटीन माइनस नाइन बचा कितना एट,
तो माइनस टू के इक्वल टू एट, माइनस का एट हो जाएगा इधर जाके, और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो के की वैल्यू हो जाएगी माइनस एट अपॉन माइनस टू, तो टू फोर जा एट, तो के की वैल्यू आ गई फोर। तो यही फोर हमें के की वैल्यू फाइंड करनी थी। देखिए हमें के की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। देखिए फिर सेम क्वेश्चन रिपीट है, तो ये आप होमवर्क में आपको दे रहा हूँ, सॉल्व योर सेल्फ, सॉल्व योर सेल्फ। इसे आप स्वयं सॉल्व कीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हैं, एबीसी ट्राइंगल है, इसके मिड पॉइंट्स हैं। तो सॉल्यूशन देखिए आप इसका, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी, तो एबीसी ट्राइंगल उसके बाटा से देखिए, पहला है ए है 01, बी है 021, सी है 03। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हाफ, वहीं से स्टार्ट करेंगे, हाफ एक्स वन बाई टू माइनस बाई थ्री बाई वन माइनस थ्री, एक्स टू बाई टू माइनस बाई थ्री जीरो माइनस थ्री, सॉरी एक्स टू है तो बाई थ्री माइनस बाई वन आएगा, तो थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन, एक्स थ्री जीरो है तो इसका आ जाएगा वन माइनस वन। तो आंसर देखेंगे हम, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, मल्टीप्लाई में है तो ओनली जो बचेगा टू टू या फोर, टू टू या फोर। क्वेश्चन चेक कर लूँ मैं एक मिनट के लिए। क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन में हमने मिसप्रिंट कर दी है। देखिए यहाँ माइनस वन है, ये माइनस वन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और आगे यहाँ भी प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो ये जीरो का मल्टीप्लाई जीरो जाएगा, तो ओनली अब एट बचा, टू से डिवाइड कर देंगे तो फोर यूनिट स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकाला है। अब पी क्यू आर द मिड पॉइंट्स, लेट पी Q एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, यहाँ जो हमने लिखे हुए वही ले लेते हैं, बी सी, सी ए एंड ए बी। तो मिड पॉइंट का जो निकालने का फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू
बाई वन प्लस बाई टू अपॉन टू, ये ले लिया हमने। देखिए तो यहाँ पे पहले, सबसे पहले हम कौन सा पॉइंट ले रहे हैं, तो P इज द मिड पॉइंट बी सी। पी किसका मिड पॉइंट है, बी सी का। तो P पॉइंट निकालने के लिए B और C का कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, एक्स वन प्लस एक्स टू, जीरो प्लस टू अपॉन टू, थ्री प्लस वन अपॉन टू। तो अपना P पॉइंट आ गया वन टू। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्यू ए सी का मिड पॉइंट है। तो ए सी में देखिए, या सी ए बोल दीजिए, उससे कोई अंतर नहीं है। माइनस वन, एक्स की वैल्यू लेंगे पहले हम, जीरो प्लस टू अपॉन टू, माइनस वन प्लस वन अपॉन टू। तो पॉइंट Q अपना आ गया है वन जीरो। आर पॉइंट है, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सॉरी क्या लिखा, ए बी का मिड पॉइंट था क्यू, ठीक है। अब क्या लिखा, एक मिनट में, ये बी सी सी ए बी, ठीक है, बिल्कुल ठीक किया। अब आर मिड पॉइंट है ए सी का, तो आ जाएगा जीरो प्लस जीरो अपॉन टू, जीरो प्लस जीरो अपॉन टू, माइनस वन प्लस थ्री अपॉन टू, तो आर पॉइंट आ जाएगा जीरो वन। अब पी क्यू आर पॉइंट, फिर दोबारा से फॉर्मूला वही लगेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर निकालना है। तो पहला पी वाला एक्स वन बाई वन, क्यू वाला एक्स टू बाई टू, आर वाला एक्स थ्री बाई थ्री। अब देखेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, हाफ एक्स वन। तो बेटा एक्स वन है यहाँ वन बाई टू माइनस बाई थ्री, जीरो माइनस वन। एक्स टू है वन एक्स टू वन है, और बाई थ्री माइनस बाई वन, वन माइनस टू। एक्स थ्री जीरो है, बाई वन माइनस बाई टू। देखिए तो यहाँ हम वन अपॉन टू, ये वन का माइनस वन में आया, तो माइनस के वन, माइनस के वन यहाँ भी आया, माइनस वन और प्लस वन मल्टीप्लाई करेंगे और ये जीरो लास्ट वाला। वन बाई टू इंटू माइनस टू, लेकिन एरिया नेवर नेगेटिव, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा यूनिट स्क्वायर। अब हमें एरिया निकालना है, रेशो। देखिए रेशो फाइंड करना है, रेशो ऑफ एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल ए बी सी। तो पी क्यू आर का एरिया वन आया है और ए बी सी का फोर, तो वन रेशो फोर आ गया आंसर अपना। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम फोर पे पहुंच गए हैं। देखिए फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल है, इसमें फोर पॉइंट्स हैं, फोर वर्टाइसेस होते हैं। तो वर्टाइसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी,
ए है, या नीचे लिख अलग से लिख देता हूँ, ए माइनस फोर माइनस टू, बी माइनस थ्री फाइव, सी थ्री माइनस टू, डी टू थ्री, डी टू टू थ्री है। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, देखिए तो हम क्वाड्रेंट ए बी सी डी है, इसको हम ए बी सी है, उसको हम देखिए ज्वाइन ए सी, ज्वाइन ए सी, बी फाइंड टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड दूसरा है ए डी सी, एरिया ऑफ क्वाड्रेटर ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। अब आप देखिए तो दोनों जगह पर यहाँ ए बी सी को लेके फॉर्मूला लगाएंगे, ए बी सी के लिए तो हाफ थ्री पॉइंट्स यूज करने वाले हैं, ए बी सी एक्स वन माइनस के फोर, बाई टू माइनस वाई सी, देखो सी वाला बाई टू फाइव है और बाई थ्री है माइनस टू, तो फाइव माइनस टू माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स टू माइनस के थ्री है बाई थ्री माइनस बाई वन, तो माइनस टू और प्लस टू, यहाँ हम ओनली थ्री पॉइंट्स पहले यूज कर रहे हैं ए बी सी, इन तीनों पॉइंट्स को यूज कर रहे हैं ए बी सी, ये यहाँ तक है। तीसरा एक्स थ्री है थ्री, ये सी वाले पॉइंट में से ले रहे हैं थ्री, बाई वन माइनस बाई टू तो माइनस टू माइनस फाइव, प्लस वन बाई टू। अब ए डी सी, ए डी सी में ऐसे चलेंगे ए पॉइंट डी पॉइंट और सी पॉइंट, ऐसे चलना है। एक्स वन ए वाला है माइनस फोर, बाई टू माइनस बाई थ्री, थ्री माइनस माइनस प्लस टू, थ्री प्लस टू, प्लस एक्स टू, एक्स टू है टू बाई थ्री माइनस बाई वन, तो माइनस टू और माइनस टू, माइनस टू और प्लस टू हो जाएगा, प्लस एक्स थ्री माइनस सी वाला आ जाएगा, यहाँ सी वाला पॉइंट एक्स थ्री है थ्री बाई वन माइनस बाई टू, तो बाई वन माइनस टू है और बाई टू है थ्री, माइनस टू और माइनस थ्री, हाफ माइनस फोर। देखिए हम ऐसा कर लेते हैं, चलो रहने दो, अभी ये सेवन है, ये सेवन आ गए माइनस थ्री मल्टीप्लाई जीरो आ गया, थ्री माइनस सेवन आ गए वन बाई टू, या माइनस फोर इंटू फाइव, ये जीरो हो जाएगा, ये माइनस टू प्लस टू जीरो का मल्टीप्लाई जीरो ही हो जाएगा, लास्ट में माइनस फाइव माइनस थ्री प्लस के थ्री, हाफ माइनस के ट्वेंटी एट
जीरो माइनस के 21 माइनस के 20 और माइनस के 15 हाफ कॉमन ले लेंगे तो पहले ब्रैकेट में आएगा माइनस 49, ये माइनस के 35 देखिए, तो ये टोटल हो जाएंगे हाफ 74 माइनस 74, टू से डिवाइड करेंगे माइनस 37, लेकिन एरिया इज नेवर नेगेटिव तो माइनस का प्लस हो जाएगा यूनिट स्क्वायर। ये अपना एरिया हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्या है इसमें, फोर माइनस, एक मिनट चेक कर लूँ, फोर माइनस टू तो ठीक है, ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हम। यू हैव इसमें दिया है कि हम नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं कि मीडियन किसी भी ट्रायंगल को डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट, इक्वल एरिया इन इक्वल ट्रायंगल्स इन इक्वल एरिया। तो देखो, ये अगर हम ए बी सी ट्राइंगल है और ए डी इसका मीडियन है तो इसके दोनों ट्राइंगल के एरिया सेम होंगे, ट्राइंगल ए बी डी एंड ए सी डी। देखो बटा से दिए हैं सॉल्यूशन, तो इसमें दिया हुआ है तो इन ट्राइंगल ए बी सी, वर्टाइसेस आर, वर्टाइसेस आर, ए है 4-6, बी 3-2, सी 5-2। ए वर्टिक्स है 4-6, बी है 3-2, सी है 5-2। देखिए, अब वी ड्रॉ मीडियन फ्रॉम ए, लेट ए डी इज मीडियन, therefore D is midpoint, D midpoint हम ले लिया of इसका midpoint होगा BC का। Median is line segment joining the vertex to opposite midpoint of opposite side, जो median या माध्यिका होती है वो शीर्ष को सामने वाली साइड के मिड पॉइंट मान मध्य बिंदु से मिलाती है, तो ए डी मीडियन है, तो डी बी सी का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे देखिए, डी पॉइंट निकलेगा एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, बी सी को ले रहे हैं तो 3+5 अपॉन टू और -2+2 अपॉन टू, तो डी पॉइंट अपना जी आ गया है ये देखिए 3+5 8/2 मतलब 4 आ गया, ये 0 आ गया। वी हैव वी फाइंड टू ट्राइंगल्स, एक ए बी डी एक ए सी डी, तो ट्राइंगल पहले हम ए बी डी ले रहे हैं, ए बी डी इसके वर्टाइसेस हैं, ए है
फोर माइनस सिक्स बी है थ्री माइनस टू और डी है फोर जीरो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी फॉर्मूला फिक्स है, हाफ एक्स वन बाई टू माइनस बाई थ्री, तो माइनस के टू माइनस जीरो, एक्स टू थ्री है बाई वन माइनस माइनस प्लस सिक्स, माइनस का सिक्स है फॉर्मूले से प्लस हो गया, फॉर्मूले वाले माइनस की, एक्स थ्री फोर है माइनस सिक्स प्लस टू, हाफ माइनस टू का फोर में माइनस एट, सिक्स थ्री या एटीन, फोर सिक्स बचे माइनस फोर और प्लस फोर का माइनस सिक्सटीन, हाफ ये कितना बचेगा सिक्सटीन ट्वेंटी फोर, सिक्स सिक्स बचा माइनस सिक्स, टू से डिवाइड किया थ्री, तो थ्री यूनिट स्क्वायर माइनस, इसमें एरिया इज नेवर नेगेटिव, अब ट्राइंगल दूसरा ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी वर्टाइसिस आर, इसके वर्टाइसिस क्या देखते हैं, ए पॉइंट है फोर माइनस सिक्स, सी पॉइंट है फाइव टू और डी पॉइंट है फोर जीरो। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी ले रहे हैं, फॉर्मूला वही लगेगा, हाफ एक्स वन है फोर बाई टू माइनस बाई थ्री, टू माइनस जीरो प्लस फाइव, जीरो प्लस सिक्स, एक्स थ्री है फिर फोर और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस सिक्स माइनस टू, तो यहाँ आया ये फोर टू जा एट, फाइव सिक्स जा थर्टी और एट फोर जा थर्टी टू, माइनस के थर्टी टू, माइनस के थर्टी टू आया है। देखो बेटो बच्चे, देखिए बेटे, समझिए इसको अच्छी तरह से, पूरा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आपको जो भी समझ में नहीं आए तो बाद में पूछ सकते हैं, आप कमेंट कीजिए। तो ये आया थर्टी एट सिक्स बचा, सिक्स अपॉन टू, टू थ्री या सिक्स होता है, थ्री आया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल थ्री यूनिट स्क्वायर, इन बोथ कंडीशंस क्लियरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, इन बोथ कंडीशंस, देखो मीडियन इज डिवाइड्स अ ट्राइंगल इन इंटू टू ट्राइंगल्स इन इक्वल एरिया, तो यही हमें प्रूफ करना था, ये कंप्लीट हो गया, ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो चुकी है।